तो ये देखिए दोस्तों, ये है ईगो कंपनी का सेट। इसमें पैनल लगा हुआ है सैमसंग सिंगल कॉफ। तो मैं दिखा देता हूँ आपको इसका जो फॉल्ट बन रहा है, वो फॉल्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैंने ऑन किया, इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। स्टैंड बाय से रिलीज हुआ, ये आप देख सकते हो पिक्चर क्वालिटी, वाइटनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। ये इस टाइप का पिक्चर इसमें बन रहा है। तो हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं, फॉल्ट कहाँ से बन रहा है। पिक्चर आ रही है तो आप मान के चलिए कि इसके 12 वोल्ट है जो प्रेजेंट होंगे, तभी पिक्चर बन रही है। तो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 12 वोल्ट ओके है। मीटर पे दिखाइए, ये आप मल्टीमीटर पे देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट ओके है, 30 वोल्ट ओके है, 3.3 ओके है, 3 है। ये आपका LVDD 15 वोल्ट ओके है, और ये यहाँ पे भी 15 वोल्ट ओके है, लेकिन यहाँ पे 0 वोल्ट है। तो ये सिग्नल जाएगा इस IC के अंदर यहाँ से। तो इसका फॉल्ट हम रिमूव करते हैं, क्या फॉल्ट बन रहा है, और इसका एक बार ये देखते हैं हम। तो VCOM तो हमारे को सही बता रहा है, वैसे ये फॉल्ट VCOM का ही आता है, लेकिन VCOM हमारे को अभी ये सही बता रहा है। तो इस पल्स को हम यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और फिर देखते हैं हमारा फॉल्ट रिमूव होता है या नहीं होता। तो हमने एक रेजिस्टेंस इस पर लगाई है अभी, तो हमारी रेजिस्टेंस परफेक्ट लग चुकी है। और लगाते वक्त ध्यान रहे कहीं दूसरी जगह टच ना हो। ये आप देख सकते हो मैंने एक रेजिस्टेंस लगाई है। अब इसकी पिक्चर क्वालिटी देखते हैं हम। इसको मैं ऑन करता हूँ, स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। तो आप देख सकते हो पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है हमारी, एकदम फर्स्ट क्लास। तो यहाँ से AVDD के द्वारा ये एक पल्स यहाँ इस IC के लिए होती है, तो उसकी वजह से ये वाइट पिक्चर बन जाती है बहुत बार। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि VCOM सप्लाई का ही प्रॉब्लम निकले, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ की बन रही है। ये सैमसंग पैनल है,
एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी हो चुकी है पिक्चर क्वालिटी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। बिल्कुल परफेक्टली हो गया है सेट।